बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनके फैंस और बॉलीवुड के कई सितारों उनसे जुड़ी यादों को लगातार सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। साथ ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शोएब अख्तर ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वे अलग अलग मुद्दों पर अपनी वीडियो बनाकर साझा करते रहते हैं। शोएब अख्तर का उनके नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वे अपने वीडियो साझा करते रहते हैं। इस बार शोएब अख्तर ने नेपोटिज्म और डिप्रेशन को लेकर एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बड़ी बात बोली है। वीडियो में शोएब अख्तर ने बताया है कि साल 2016 में वह सुशांत सिंह राजपूत से मिले भी थे। उन्होंने वीडियो में कहा, जब मैं उससे मिला था तो मुझे सुशांत सिंह राजपूत में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखा था। ईमानदारी से कहूं तो वह मुझे ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं लगे थे। वह मेरे पास से सिर झुकाए निकल गए। उस समय मेरे एक दोस्त ने बताया कि वह MS धोनी की फिल्म में उनकी भूमिका निभा रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे उनके अभिनय को देखना चाहिए। वह बहुत ही विनम्र बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं और एक बेहतरीन फिल्म बना रहे हैं। अपने वीडियो में शोएब अख्तर ने सुशांत सिंह राजपूत द्वारा आत्महत्या जैसे कदम उठाने को गलत ठहराया है। इस पर उन्होंने कहा, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। इसके अलावा भाई भतीजावाद को लेकर सलमान खान की आलोचना करने पर शोएब अख्तर कहा, बिना सबूत के किसी पर भी आरोप लगाना गलत है।